कुंड नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह और न्याय और कर्म के देवता शनिदेव मार्गी होने वाले हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 23 अक्टूबर 2022 की रात्रि में 8:22 पर शनिदेव अपनी स्वराशि मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक यानी अगले 133 दिनों तक शनिदेव मार्गी रहेंगे। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में एक विशेष और अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका मेष राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी और बताया गया राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। देखिए, शनिदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शनि ग्रह को विशेष कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। शनि ग्रह सभी ग्रहों की अपेक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा समय तक प्रभावी होकर फल देने वाले ग्रह बनते हैं। उसका कारण है कि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। शनि को भगवान शिव के द्वारा मृत्यु लोक में कर्मानुसार दंड देने का अधिकार प्राप्त है। शनि को विशेष रूप से आयु, दुख, रोग, पीड़ा, बुढ़ापा और विशेष रूप से विज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शनि का ही आधिपत्य रहता है। ऐसा नहीं है कि शनिदेव हर व्यक्ति के जीवन में केवल अशुभ प्रभाव देते हैं। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली पर शनिदेव की स्थितियां यदि मजबूत हों और व्यक्ति के कर्म भी सही हो, तो व्यक्ति को हर क्षेत्र में शनिदेव सफलता देते हैं। शनि यदि जन्म कुंडली पर अनुकूल हो तो जातक को विशेष रूप से कर्मठ बनाते हैं, धैर्यवान बनाते हैं और ऐसे जातक को विशेष रूप से आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, मेडिकल से जुड़े हुए क्षेत्रों में या कानून से जुड़े हुए क्षेत्रों में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। शनि यदि बलि हो तो व्यक्ति को लगातार शारीरिक समस्या नहीं होती है, यानी ऐसा जातक निरोगी भी रहता है। वही जन्म कुंडली पर शनि यदि खराब हो जाए तो व्यक्ति को लगातार अज्ञात भय की प्रॉब्लम, यानी भय अंदर नहीं रहेगा फिर भी ऐसा लगेगा कि आपके अंदर भय बना हुआ है। कार्यों में अति उत्साह की बात तो दूर, आलस्य की अधिकता काफी ज्यादा बनी रहती है। ऐसा जातक को वायु जनित रोग यानी पेट से जुड़े हुए रोग परेशान करते हैं। शनि के अशुभ होने पर हड्डियों में प्रॉब्लम, अकाल मृत्यु जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शनिदेव के शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए शनि से जुड़े हुए उपाय को करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 5 जून 2022 को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हुए थे, तो मेष राशि वाले जातकों के राशि के दशम भाव पर शनिदेव प्रभावित थे और राशि के 11th हाउस में शनिदेव प्रभावित थे, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धन को लेकर समस्या बनी हुई थी। 5 जून से लेकर आपके जीवन में खर्चों में अधिकता और आमदनी में कमी बनी हुई थी। मेष राशि वाले जातकों को करियर के मामले में लगातार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था। परिवार में व्यर्थ का वाद विवाद और व्यर्थ की खराब स्थितियों के कारण मानसिक परेशानी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई थी। अब वर्तमान समय में आपके जीवन में 23 अक्टूबर से शनिदेव आपके दशम भाव में मार्गी हो रहे हैं,
तो ये स्थिति आपके जीवन में बनेगी। सबसे पहले आपके जीवन में, चूंकि राशि के 12वें भाव पर, राशि के चतुर्थ भाव पर और राशि के सप्तम भाव पर शनिदेव पूर्ण रूपण दृष्टिपात कर रहे हैं, तो इस दौरान मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि के इस मार्गी काल में कई प्रकार की स्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। मेष राशि वाले जातकों को यदि करियर के मामले में पूर्व के समय से लगातार उतार चढ़ाव भरी स्थितियां देखने के लिए मिल रही थी, तब आपके दशम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं जो मार्गी हो जाएंगे, तो आपके जीवन में आपके कार्यों का भरपूर लाभ आपको जीवन में देखने के लिए मिलेगा। नौकरी पेशा जातक, यदि आप लॉयर हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता देखने के लिए मिलेगी। चूंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव बनते हैं और आपके राशि के लगन भाव पर राहु देव साल की शुरुआत से ही मौजूद हैं, तो छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध करने से जरूर बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस दौरान आपके जीवन में शनि के शुभ प्रभाव से व्यापारिक सफलता भी देखने के लिए मिलेगी। इस दौरान मेष राशि वाले जातकों को शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ आपके परिवार के साथ यदि पूर्व के समय से संबंध काफी ज्यादा खराब बने हुए थे, यानी यदि परिवार में स्थितियां आपके पक्ष में नहीं थी, परिवार के बीच में लगातार कलहपूर्ण माहौल बना हुआ था, उसमें आपको भरपूर निजात देखने के लिए मिल सकती है। राशि के द्वादश भाव पर जा रही शनिदेव की दृष्टियां आपके जीवन में आय के साधनों को वृद्धि कर सकती है और आपके खर्चों में भी वृद्धि देगी। इस दौरान मेष राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक संबंधों में सुधार और दाम्पत्य सुख बढ़ने की भी विशेष संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। आपके घर में खुशियों का आगमन विशेष रूप से होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप शादीशुदा हैं, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में गुस्से पर नियंत्रण बनाकर भी आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मान सम्मान में वृद्धि होने की भी विशेष संभावना इस दौरान आपको देखने के लिए मिलेगी। शनि के इस मार्गी काल के दौरान माता की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो इस प्रकार का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। अब यदि आपके जन्म कुंडली पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है और शुभ ग्रहों की दशा महादशा चल रही है, तो आपके जीवन में शनि से जुड़ा हुआ नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो बहुत कम प्रभावी होगा। और यदि आपके जन्म कुंडली पर भी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है और शनि आपके जन्म कुंडली पर खराब स्थितियों में मौजूद हैं, तो इस दौरान आपको कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वाले दर्शकों को शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में श्रेष्ठता और बेहतर परिणाम अर्जित करना चाहते हैं, तो शनि के इस मार्गी काल के दौरान किसी प्रकार का झूठ, असत्य वचन या धोखा, छल कपट, बेईमानी करने से आपको जरूर बचना चाहिए। इस दौरान मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करने से आपको बचना चाहिए। उसके साथ साथ काली उड़द, सरसों का तेल, काली शर्ट, काला छाता, काला जूता यानी काली चीजों का दान शनि की होरा में शनिवार के दिन यदि आप जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं, तो संभावना आपके लिए काफी उत्तम बनेगी। शनि से संबंधित शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना बेहतर होता है। यदि आप मंगलवार के दिन मीठे प्रसाद का भोग लगाते हैं और हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के उपरांत प्रसाद को डोनेट करते हैं, तो आपके जीवन में
शनि का ज्यादा दुष्प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। शनि से संबंधित शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए घर परिवार में स्थितियां सामान्य बनाकर चलना चाहिए और साफ स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।